उधर यूपी हिंसा पर सीएम योगी का अफसरों को सख्त निर्देश है, उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई करें कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने यह बात कही है, ना निर्दोष छेड़े जाएंगे और ना ही दोषी छोड़े जाएंगे। सीएम योगी ने अपने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि हिंसा में जो लोग भी शामिल थे वो छोड़े नहीं जाएंगे। बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान के बाद यूपी में भड़की हिंसा की लपटों के पीछे से साजिशों की परतें हटने लगी हैं। फिर चाहे कानपुर हो या प्रयागराज, हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती और माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। हर एक गतिविधि पर हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे, उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।